हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों की लाई हूँ, घर पे बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन के रेडी हो जाता है। बिल्कुल हमें इसके लिए कोई डो वगैरह हमें प्रिपेयर नहीं करना है, मैं ये डायरेक्ट बना रही हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा ब्रेड के साथ किस तरीके से हम गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं बटर को मेल्ट करके यहाँ पे साइड में रख लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक। और अब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इन दोनों के फ्लेवर्स एक दूसरे में आ जाएँ, बटर में अच्छे से गार्लिक मिक्स हो जाए। और अब मैं इसे अच्छे से हिला के मिक्स करके इसे साइड में रख लूँगी। सो मैं एक हाथ से इसलिए गाइस इसे मिला रही हूँ बिकॉज़ दूसरे हाथ में मेरे फ़ोन है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं एक ही हाथ से मिला रही हूँ, इसे मिक्स कर रही हूँ। और अब हम पिज़्ज़ा ब्रेड को ले लेंगे और जो मिक्सचर हमने इसमें बनाया था वो मिक्सचर इसके ऊपर अच्छे से हम लगा लेंगे। और मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइसीनेस आने के लिए। और अब मैंने यहाँ पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था और अब मैं पैन पे इसे इस तरीके से पलटा कर रख रही हूँ, जिस साइड हमने गार्लिक और ब्रेड को लगाया था उस तरीके से, उस साइड से मैं इसे शिफ्ट पलटा रही हूँ पैन में। और अब जो बचा हुआ हमारा सॉस है वो सॉस अब मैं इसके ऊपर से दूसरी साइड से इसे लगा रही हूँ ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से बटर और गार्लिक का फ्लेवर इसमें आ जाए। और मैंने स्लाइस को, जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है उसको मैंने बीच में से ऐसे राउंड कट किया था और उसके बीच में मैंने इसमें चीज़ की स्टफिंग की है, चीज़ को मैंने खूब सारा चीज़ इसमें डाला है। और अब मैं इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक करूँगी। जब ये, और ये मैं पानी यहाँ पे साइड में इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें भाप आ जाए और ये अच्छे से नीचे से कुक हो जाए, जो हमारी चीज़ है ब्रेड के बीचों बीच तो वो हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, बिकॉज़ पानी की भाप से हमारा जो ढक्कन है वो भी हीट हो जाएगा और उसकी हेल्प से हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। मैं इसे अभी कट कर रही हूँ जिस तरीके से गार्लिक पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड जो बाहर मैकडोनल्ड्स वगैरह में, बाहर फास्ट फूड में जो हमें जिस तरीके से हमें खाने मिलते हैं उसी तरीके से, ये देखिए अब मैं इसे बीच में से भी कट लगा रही हूँ। और अब मैं आपको एक स्लाइस इसकी लेके बताती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना है और ये बिल्कुल जो हम बाहर खाते हैं वैसा ही टेस्ट था इसका और बहुत यम्मी था। सो ये